खंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री कर्ण सागर प्रभु जी की प्रेम भक्त बंधु भाइयों और बहनों, प्रभु जी आए हैं, गंगा लाए हैं योग की। और जैसे गाया कि सत्संग होता है, सत्संग में बहुत उपदेश के मोती बिखरे होते हैं, हम अगर इसे ग्रहण करें, बस यही शिक्षा है। प्राय हम जतन नहीं करते, जो करना चाहिए वो करते नहीं है, इसलिए हमें मिलता कुछ। अपने जीवन को हम योग के अनुकूल बनाने की कोशिश करें, सुधारें अपने जीवन को ही, इसके कुछ फल पाए। जीवन के धर्म अर्थ काम और मोक्ष इसके लक्ष्य होते हैं, लेकिन हम ना धर्म की परवाह करते हैं और ना ही मोक्ष की, तो हमारे जीवन जो अधूरा रह जाता है। जीवन कुछ तो गया, कुछ है और कुछ होगा, बहुत वर्तमान अपेक्षा। हम कोशिश करें कि अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए जो हमने समय किया, उसमें हम जीवन को अगर अच्छा नहीं बना सके, हमने योग साधना नहीं की या कुछ भूले की या गलतियां की, उनसे हम लाभ उठाएं, आगे ना करें। सत्संग में तो यही विशेष बात होती है कि हम कर्म ऐसे ना करें जिनसे हमें बाद में पछताना पड़ता है। तो जो हमारा जीवन चला गया उसके ऊपर अवश्य नजर मारा करें। वेद में कहा है कृतम संहार, कृतम का मतलब है जो किया था उसको याद करो, हमने कौन सी गलतियाँ की, कौन सी भूलें की, कौन सा योग नहीं किया जिसके कारण आज हम बीमार हैं, हम दुखी हैं, मानसिक दुख से हैं, शारीरिक दुख हैं, अवश्य उनको याद करें, इससे आधा हमारा जीवन जो है सुधर जाएगा। परंतु हम वो भी नहीं करते। अगर हम कोई रोग इस समय है तो याद करें ये क्यों था, अब हम वो गलती ना करें, शायद आगे ठीक हो जाए। और वर्तमान जो है हमारा आज, वो तभी ठीक बनेगा जब हम कुछ शिक्षा लेंगे, कुछ सत्संग से शिक्षा लेंगे, प्रभु के उपदेशों पर चलेंगे। वो जो मोती मिलते हैं, हीरे मिलते हैं सत्संग में, और सत महापुरुषों की संगति मिलती है, उसको आत्मसात करें, लाभ उठाएं। तो वर्तमान एक लंबा की लंबी सड़क है, और आज भी वर्तमान है, कल भी वर्तमान है, जिसको हम भविष्य कहते हैं, भविष्य वर्तमान बन जाता है। परंतु भविष्य वर्तमान का भविष्य का वर्तमान बनता है, तो अगर वर्तमान हम ना सुधारेंगे तो भविष्य भी नहीं सुधरेगा। भविष्य सुधारने के लिए देखें कि भविष्य में क्या कुछ हम हो सकता है। बुढ़ापा आना है, देखें जीवन में हर जी चलता आएगा, उम्र बढ़ेगी, अब उसमें क्या कुछ हो सकता है। हम देखते हैं कईयों के बड़ी उम्र के अंदर कई दुख लग जाते हैं, कईयों के घुटने दुखने लगते हैं, कईयों की कुछ और बीमारी होती है, तो वो उसके लिए वर्तमान में ही सोचना है कि वो ना, अगर घुटने आप एक बड़ी उम्र में दूसरे घुटने दुख जाता है, चल नहीं सकता, तो हमें उसका अब सोचना है कि हमारे घुटने ना दुखे। जब दुखे लग जाएंगे तो फिर डॉक्टर कहेगा घुटना बदल लो, और घुटना बदलने से भी घुटना सही होता है। अगर हम वर्तमान में ऐसा करें तो आप घुटने आपको ठीक रहेंगे, चलते फिरते रहोगे, पर
परंतु अगर ना करेंगे तो जब सबके घुटने दुखते हैं तो हमारे भी दुखेंगे, फिर क्या करोगे। तो वर्तमान में भविष्य का सोचना है। और भी कई बातें हैं, शारीरिक हैं, कुछ हैं, वो सब सोचनी है ताकि हमारे जीवन जो है वो चलता रहे। ये जीवन हमारे शरीर के ऊपर ही चलता है, शरीर ना तो जीवन नहीं चलेगा, इसलिए शरीर को ठीक रखना पड़ता है। टांगों के ऊपर चलते हैं तो तभी चलते हैं, टांगे ना होते फिर हमारा जीवन बैठ जाएगा। इसलिए मैं आज ही योग दूसरों के या अपने भूत से लाभ उठाकर साधन संपन्न होना चाहिए, रोज करें। जो रोज योग करेगा और ठीक ढंग से करेगा तो उसके शरीर के अंग जो तंग नहीं करेंगे उसको। एक आदमी ने शराब पी और उसको किडनी खराब हो गई। अब हम देखें कुछ सालों के बाद अगर हमारी हो जाएगी फिर क्या होगा। भविष्य का सोचे ना, हम ना शराब पिए, अगर वो हमें भी लोग रह गया तो फिर क्या हालत होगी हमारी। तो ना गलती करें, जब तक भविष्य का ना सोचेंगे तो वर्तमान में गलतियां करते रहेंगे। भूत की गलतियों से हम फायदा उठाएं और वर्तमान में गलतियां ना करें और भविष्य का जरूर सोचें। भविष्य का आज का कल भविष्य हो जाएगा, कल जो है आज के लिए भविष्य है और कल फिर वर्तमान हो जाएगा। तो इस प्रकार हम अगर अपने भविष्य का सोचेंगे तो हमारा सारा वर्तमान सुखी रहेगा। तो जीवन ये दो हिस्से में बटा हुआ है, एक जीवन है जो अब बता रहे हैं और एक जीवन है जो इस शरीर के बाद का जीवन आएगा। ये जीवन आत्मा की यात्रा इस शरीर के साथ समाप्त नहीं होती, उसको तो 84 का चक्कर कहते हैं, चलती रहेगी चलती रहेगी। यहाँ अगर हम टांगे चाहिए जिससे हम अच्छा चल सकें, शरीर अच्छा चाहिए तो चल सकें, तो जो अगला जीवन है उसके लिए भी तो कुछ चाहिए। वहाँ ना टांगे जरूर काम आएंगी ना शरीर काम आएगा, वहाँ क्या काम आएगा। वहाँ भी शक्ति चाहिए, बिना शक्ति के चलते नहीं, टांगों में शक्ति ना होगी चलेंगे। अगले जीवन को चलाने के लिए या अगली कौन सी शक्ति में आगे चलाएगी, शरीर तो चलेगा नहीं। और जीवन वो तभी अच्छा बनेगा जब हमारे अंदर शक्ति होगी। तो वो शक्ति कहाँ से आएगी। वो शक्ति है जो सट्टांगों को मजबूत करते हैं, इस सब मन को भी मजबूत करना होगा। मन की शक्ति हमें अगले जीवन में काम आएगी। अगर मन कमजोर हो गया तो जैसे इस वक्त टांगें कमजोर हो जाएंगी तो हम बैठ जाएंगे, और मन कमजोर हो गया तो अगले जीवन में हम बैठ जाएंगे, कुछ नहीं बनेगा, हम पता नहीं कहाँ जाएंगे। फिर अगर अगले जीवन में दौड़ लगानी है, अच्छी तरह दौड़ लगानी है और 84 का चक्कर को ही काटना है, मोक्ष के पास जाना है जो समझ लक्ष्य है, तो मन को मजबूत करना होगा, ये नहीं होगा। अब मन कैसे मजबूत होता है, अब उसको अभी से मजबूत करना होगा ना। ये नहीं कि मर कर मन कमजोर गए, वो तो जैसे जाएगा वैसे जाएगा। अब ये निरंतर प्रयत्न करना चाहिए कि हमारा मन मजबूत हो। मन को कमजोर करने वाली पहली चीज जो है ये कि मन दूसरों का बुरा सोचता है। जब बुरा ही बुरा सोचते रहेंगे तो वो बीमारी है, मन शुद्ध नहीं, साफ नहीं ना, तो मन कमजोर हो जाएगा। बुरा सोचेंगे तो बुरा भूलेंगे भी और बुरा कर्म भी करेंगे, तो मन कमजोर हो जाएगा जो ऐसा करते रहते हैं। इसके विपरीत जो मन दूसरों के लिए अच्छा सोचता है, भला सोचता है, उसका मन मजबूत हो जाएगा। ये तो साफ बात है, इसको प्रैक्टिकली करके देख लो।
तो सबसे पहले एक काम जरूर करना है, हम किसी का बुरा चिंतन ना करें, किसी के लिए बुरा ना सोचें, ना कहें और ना उसको करें। जो किसी की बुराई करता है शरीर से या मन से, उसका मन कमजोर हो जाएगा। और सारे शास्त्र कहते हैं कि मन को, मन में किसी का ऐसा बुरा ना मानो, ना करो। एक तो बात ये रखनी है हमें, अगर मन को मजबूत करना है तो। दूसरा है कि मन कमजोर होता है अगर हम सच्चाई पर नहीं चलते तो। सब दुनिया कहती है झूठ के पैर नहीं, झूठ के ये पैर नहीं तो मन के अंदर शक्ति नहीं होती, तो हम क्यों झूठ का सहारा लें? झूठ का सहारा हम लेते हैं तो किसका नुकसान होता है? मन का, अपना मन कमजोर करते ना। इसलिए सत्य का सहारा रखना चाहिए, झूठ का सहारा लेना चाहिए। सच्चाई खुदाई है, सच्चाई सबसे बड़ी चीज है। ना झूठ बोलें, ना झूठ सोचें और ना झूठा कर्म करें, तब तो मन सबल होगा। और इसलिए हमें ये सोचते रहना चाहिए कि हमारे मन के अंदर कमजोरी तो नहीं आ रही, ताकत खुद ही खुद आएगी। सच्चे आदमी को किसी के मन को कभी डर नहीं लगता, झूठा हर वक्त डरता रहेगा। तो ये दूसरी चीज मन को सबल बनाने के लिए है, हम सत्य का सहारा लें, सत्य पर चलें। सत्य से अगर किसी वक्त दुनियावी तौर पर नुकसान भी होता है, मगर मन तो सबल रहता है। हमने मन की बात कर रहे हैं ना, अगर नुकसान हो गया इस शारीरिक रूप से तो वो तो आदमी एक्सेप्ट कर ले, लेकिन मन की दुर्बलता ना एक्सेप्ट करे। तो जीवन तो उसी से है, ये जीवन तो थोड़े सालों के बाद खत्म हो जाना है। मन ताकत हुआ तो हम आगे खूब अच्छी तरह चलेंगे। और तीसरी चीज मन को कमजोर करने वाली है कि हम कोई किसी का चोरी आदि ना करें। चोरी करते तो हर वक्त पैर कांप जाते हैं और मन तो पहले कांपता है। ये आज हम सब अगर इस दृष्टि से हम अपने समाज को देखें तो सब कुछ हो रहा है। अब हो रहा है तो आगे क्या बनेगा? फिर अगर साफ दृश्य अपना शुरू सुनो तो हमें एक बड़ा भारी नरक चाहिए, जितना नरक है उससे 10 गुना, जहां पर हिंदुस्तान के लोग जाएं, उनकी नई बस्ती बननी चाहिए। तो क्योंकि सबके मान कमजोर है तो क्या भगवान बनाएगा सारे हिंदुस्तानियों के लिए एक अलग किसी कोई नरक? हमें सोचना चाहिए अब, क्या हम इसके लिए तैयार हैं? चोरी 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 सब जगह है। चोर को किसी जेल नहीं जाना चाहिए तो वो तो कोई न्याय नहीं है। चोर को तो जेल ही जाना चाहिए और ईश्वरी दृष्टि से उसे नरक में ही जाना चाहिए। तो फिर क्या करें? कौन है इस वक्त हिंदुस्तान के अंदर इंसान है उस महापुरुषों को छोड़कर जो ये कह सकते हैं कि हम, हमारा जीवन साफ है? तो फिर उसका आगे मन तो कमजोर हो गया, क्योंकि मन कह ही नहीं सकता उसमें ठीक हूं, कमजोर मन कैसे कह सकता है? तो ये बात है, हम इससे भी बचे। दूसरी चीज है कि हमारे अंदर जितना
संसार का हमारे अंदर लालच आता है ना, उतना मन को बोझ पड़ता है, मन दबता है। जितना त्याग करते हैं उतना मन जो है खुश होता है। आप देख लें, कोई गरीब आदमी है उसको दान करें, आपके मन में खुशी होगी, मन फूल जाएगा, क्योंकि त्याग से मन के अंदर बल आता है और लालच से मन के अंदर कमजोरी आती है। तो इसलिए हम कोशिश करें कि हम दुनियावी जो माया है इसके लिए बहुत लालायित ना रहें, तो मन कमजोर ठीक हो जाएगा। तो इसलिए पहले ही दो चार बातें ये बस हम याद रखें, यही मोती हैं सत्संग के। और मोती क्या है कि हम आप सोचें कि हमने अगले जन्म में भी जाना है तो हमारे पास कुछ जो शक्ति कहाँ से आएगी। शक्ति तो कोई साथ तो लेने जाए, बैंक अकाउंट तो हमारे पास आ नहीं। मान ही हमारा ये स्टोर है जहाँ कुछ हमने धन जमा किया हुआ है, तो हम सबका भला सोचे और हम झूठ पर ना चले, हम किसी की चोरी ना करें, किसी की भी। लोग समझते हैं कि शायद किसी की चीज चुरानी चोरी है, आज चोरी सबकी हो रही है, सरकार भी चोरी हो रही है, जो जो अपने हमारी है और हर एक कर रहा है। और हम माया के लिए लाला इतना रहें, ये माया जो सब कहते हैं कि ये तो हम सब लोग छोड़ गए, हमने भी छोड़ जानी है। बड़े बड़े राजाओं के राज छूट गए, वो उस वक्त बहुत इकट्ठा करते थे। जब कहते हैं सिकंदर के बारे में हम बहुत कहते सुनते हैं, सिकंदर जानते कुछ लूट लाट का हिंदुस्तान से दूसरे देशों से, सिकंदर को बड़ा भारी कहते हैं, दुनिया के ऊपर इसका दबदबा था। एक सिकंदर को बड़ा मानते हैं, एक बोनापार्ट को बड़ा मानते हैं और एक हिटलर को बड़ा मानते हैं, जिन्हें बहुत दुनिया के ऊपर एक आतंक चलाया था। तीन आदमी ने आतंक चलाया था, अशोक ने और बोनापार्ट ने और ये। तो इन सिकंदर जब कहते हैं जा रहा था तो रास्ते में मर गया, और उसने ये कहा था कि मैं तो कुछ लूट रहता हूँ लैस में चला, तो उसकी यह था उसकी वसीयत थी कि मेरी अर्थी के बाहर मेरे दोनों हाथ लटका देंगे ताकि लोगों को पता लगे मैं साथ कुछ ले जा रहा, खाली आ जा रहा। तो सबने खाली आ जाना है, इसलिए उसके कारण अपने मन को क्यों कमजोर करें कि मुझे भी चाहिए वो भी चाहिए। और एक है कि अपने ब्रह्मचर्य अपनी दृष्टि को बड़ा शुद्ध रखें, वासना से बचें, ये भी मन कमजोर करती। और एक और चीज है मन को ताकत देने वाली, वैसे हम शरीर को नहाए तो शरीर चुस्त हो जाता है, अगर गंदगी हो तो शरीर बीमार हो जाता है, मन भी के अंदर अच्छे विचार ना हो बुरे विचार हो तो मन को कमजोर हो जाता है। शुद्ध मन को शुद्ध रखना है, जैसे कहते हैं ना मन के अंदर झाड़ू लगाना चाहिए। मन एक ऐसी चीज है जो बिल्कुल सफेद है दरअसल, और सफेद कपड़े पर दाग जल्दी पड़ते हैं। इस शुद्ध मन के ऊपर जरा भी हाथ किसे लगे कि बात आए कुछ है लग जाती है, इसी उसको तो साफ करते रहना चाहिए। जो कहते हैं मन के अंदर झाड़ू रोज लगानी चाहिए, किसी तरीके से वो उसका झाड़ू तो हमारा भगवान का नाम ही है, मन को उस झाड़ू से साफ करते रहें और ऐसे संगत ना करें जिससे मन के अंदर विचार बुरे आएँ। सत्संगति कहते हैं बड़ी अच्छी होती है, कुसंगति बुरी होती है, तो सत्संगति से हमारा मन ठीक रहेगा, कुसंगति से बुरा हो जाएगा, माया भी विचारों से मन मैला हो जाएगा,
तो मन की शुद्धि भी बड़ी जरूरी है। अगर मन अशुद्ध हुआ तो उसके अंदर कमजोरी आ जाएगी। और मन के रोगों को दूर करने के लिए महापुरुष ने कहा है कि सब बीमारियों की जो इलाज है, सर्व रोगानाम निदानम, जो है वह संतोष है। मन में अगर संतोष रखेंगे तो मन मजबूत हो जाएगा, मन में असंतोष आया तो मन दुर्बल हो जाएगा। हमें बड़ा संतोष रहना चाहिए। गीता में मिल गया है कि जो कुछ भगवान ने दिया है भगवान का शुक्र करें कि आपने हमें दिया है। ये ना कहें कि और दो, जरूर तो कोई देंगे, क्यों जीवन उन्होंने दिया है। हम कहते हैं वो हमारे पिता है, वो माता है, तो माता और पिता का फर्ज है कि बच्चों का ध्यान रखें, तो वो ध्यान रखेंगे। पर हम संतोष जब खो जाते हैं तो हम कहते हैं ईश्वर ने नहीं दिया, ईश्वर तुमने मुझे कुछ नहीं दिया। वो ईश्वर कह दिया तो है, और क्या दूँ तुम्हें, तुम इतना भी नहीं पचा सकते तो और क्या दूँ। तो इसलिए ये संतोष जो है मन को बड़ा मजबूत करते हैं। कितने दिन खुले देखो, ये सारी इतनी औषधियाँ हैं मन के लिए, अब इनका हम इनका ध्यान रखें मन को मजबूत करने के लिए, अमल करें। ये शब्द ही नहीं है, और एक मन को और चीज़ मजबूत करेगी वो है कि हम कोई दुख आता है तो मन को मजबूत करके उसको बर्दाश्त करें। बुखार चढ़ गया मुझे, अब मैं उस बुखार को कह सकता हूँ क्या हो, ठीक हो जाएगा, आत्मा को बाहर निकला, शरीर को मारूंगा, किसी तरह से मजबूत रहेगा। हमें माता जी का पता है इतनी तकलीफ थी, कहती है शरीर नश्वर है, शरीर को दुख है ना, मुझे क्या है, और नाश तो नहीं है। ऐसे ऐसी बातें सोचकर मन मजबूत होता है। दुख में भी आदमी दुख ना माने, तो मानता तो माने ना, तो मन को मजबूत करने के लिए ये मनुष्य के लिए तपस्या है मन की। जब तक मन तपस्वी ना होगा तो वो कमजोर रहेगा। जिसका मन मजबूत है वो तो बड़ी बड़ी तकलीफों में भी हंसता रहता है, और नहीं तो थोड़ा सा कांटा चुभा तो रोना पड़ लग जाता है, या जरा कुछ किसी ने कहा तो रोने लग जाते हैं। मन को मजबूत करने के लिए मन को हमने तब मैं बनाना है। और मन को अब जब मन बहुत दुखी होता है ना तो हम ग्रंथ पढ़ने लग जाते हैं, मन में अशक्ति आती है, तो ये भी करना चाहिए। अब हम नहीं करते, यह गीता है, ग्रंथ है, इसका स्वाध्याय अगर करते रहें तो मन को सारा मिलता रहेगा, विचार मिलेंगे मन से। तो इतनी चीज़ें हैं मन को मजबूत करने के लिए, एक दो भी इच्छा कर लें तो भी मन मजबूत हो जाएगा। योग के जैसे बहुत साधन है, हम सारे तो नहीं करते, फिर भी रोगों से बचे रहते हैं ना, 5-7 क्रिया करते हैं उससे हम सारे दिन ठीक चलता है। इतनों में से कुछ भी करें, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है वो है कि हमें भगवान पर विश्वास होना चाहिए। आज हमें भगवान पर विश्वास नहीं है, ज़रा काम आता है तो प्रभु जी को भूल जाते हैं, इधर उधर भटकने लग जाते हैं। दुख आया है तो ये समझें कि भगवान की मर्जी से आ रहा है। भगत के दुख सुख भगवान की मर्जी के बगैर नहीं आते, और फिर भगवान को याद करें, मन तो मजबूत रहेगा, नहीं तो मन डोल जाएगा। और कई कहते हैं भगवान तू होता तो मुझे क्यों आता, या कई हाय रब्बा क्यों करते हैं, कि रब ने दुख दिया मुझे, तो ये नहीं। मन को मजबूत करने के लिए जो आया शांति से सहन करें। अब देखो मैं 8-10-12 बातें बतलाई मन को मजबूत, ये सब शास्त्रों से लिए, योग की तो है और क्या है, तो योग की इन बातों को, और वही क्या है यामनी है। पर यामनी कह देते हैं तो इनको प्रैक्टिकल रूप में तो धारें, पर इसको मन के ऊपर
क्यों? योग मन के लिए है। जो राज योग है ना, ये मन की विद्या है, और जो आठ योग है शरीर की विद्या है। शरीर की विद्या लेकिन मैंने कहते हैं ना कि रोज आसन नीति करो, और मन की विद्या के लिए तो पहले अगर इन पर, इन नियमों पर ना चलेंगे तो हम आगे का स्टेप कर नहीं सकते। अगर तो नहीं, हमने तो मोक्ष प्राप्त करना है, हम ध्यान लगाएंगे, सूरत लगाएंगे, चुराएंगे, और मन तो हर तरह से कमजोर है तो क्या करेगा? वो तो अगला स्टेप है। पहला स्टेप, पहला योग शुरू ही ऐसे होता है जैसे आठ योग शुरू होता है षट कर्म से। अगर षट कर्म ना करेंगे तो आसन भी कुछ नहीं करेंगे, मुद्रा भी कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि शरीर षट कर्म शुद्ध होना है। और राजयोग में मन को शुद्ध कर आगे चलोगे। मन को शुद्ध करने के लिए यम और नियम है, इन पर चलना पड़ेगा। और यम नियम का प्रैक्टिकल रूप हमने विचार में लाया, ये है, ये नहीं कि हम कह रहे कि हम नियम पर चलना है, इस तरह चलना है। हम चलें, मन को तौड़ा करें, देखिए मन तो नहीं कमजोर हो रहा, तो हम योग के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। इसलिए ये समझें कि राजयोग जो विद्या है, प्रवृत्ति विद्या सारे है, वो हठ योग और राजयोग की है। हठ योग में शरीर को ठीक रखें और राजयोग में मन को तगड़ा करें, बाकी काम बाद में हो जाएंगे। हम पहले समाधि के, हमें समाधि दिलाओ, समाधि दिलाओ, समाधि दिलाओ। भाई समाधि तो सबको मिल सकती है, लेकिन पहले कोई व्यापार करोगे तो पूंजी भी तो होनी चाहिए। ऐसे कर लो, मैं दुकान खोल रहा हूँ, तो इसलिए प्रभु करें कि मैं बातों पर अवश्य विचार करें कि शरीर को ठीक रखें और मन को ठीक करें। शरीर के लिए षट कर्म और मन के लिए यम और नियम। अब हम प्रभु करें हमारी शक्ति दें। बोल श्री सच्चिदानंद महाप्रभु श्री राम लाल।